आधे आधे की, 1 किलो सूजी 1 किलो आटा बराबर डलेगा। हाँ देखो सूजी मोटी वाली है। अच्छा मोटी सूजी डलेगी, मोटी सूजी लगती है। अच्छा ये देखिए मोटी सूजी है और हाँ। मोटी सूजी डलेगी, बारीक नहीं डलेगी। और आटा जो घर में हम रोटी बनाते वो आटा है? हाँ वही है। इसका अलग से तो नहीं आता कोई आटा? अलग से नहीं है कोई। अब ये 1 किलो सूजी। अच्छा ऐसे ऐसे इस तरह से घर के जैसे रोटी बनाते हैं तो आटा घर के नरम गूंदते हैं मुलायम, और ये आटा थोड़ा टाइट टाइट गूंथेगा। हाँ ये गूंथ दिया आटा और अब इसको आधे घंटे के लिए उठा के रख देंगे। आप ही बोल लो। आधे घंटे के लिए दाब के रख देंगे फिर इसको बनाएंगे। अच्छा और कपड़ा गीला है? हाँ कपड़ा गीला। अच्छा गीले कपड़े में। हाँ एक ही साइज के तोड़ दे ना। हमारे सब फर पत्ते काम करना सब क्या सब बना लेते हैं जी, सब परिवार बनाते सारे बना लेते हैं। मैं अभी बनाने लग गई, मैंने कही शायद हम उस टाइम को बनाएंगे फिर आंटी जी को बुलाएंगे। इनमें टाइम ज्यादा लगता है वैसे। हाँ, जितने जने हो ना परिवार के वो ही सारे लग जाते हैं। हाँ, मेहनत बहुत है। हाँ, इनका काम बहुत मेहनत का है। इसको सारे डालते जाओगे है ना? इसको ऐसे सुखाते जाओगे सबको? सुखाएंगे थोड़ी ना। नहीं मतलब ऐसे इस पे फैलाते जाओगे, इस पे लगा के फिर इसके ऊपर एक पन्नी और इसके ऊपर से उड़ाएंगे डालेंगे। एक पन्नी और ढक दोगे? इसके ऊपर से ढक देंगे। अच्छा ताकि सूखे ना ऊपर से? सूखे ना। अच्छा और ये पन्नी जब भर जाएगी इतनी तब फैलाई करेंगे इसकी। अच्छा फैलाई मतलब सेकेंगे? पलट दोगे? नहीं। अच्छा सेकोगे तल दोगे फ्राई? एक मुझे देना भैया हाथ। ये देखिए इतना पतला होता है ये, ज्यादा मोटा करेंगे तो मोटा हो जाएगा ना? ज्यादा मोटा करेंगे तो ठीक नहीं। हाँ इसी साइज का बनाएंगे। फूलेगा एकदम गोल बना रहे आप। फूलेगा भी नहीं और फिर ज्यादा मोटा नहीं होगा यही तो बातें आपसे पता लगती है थोड़ी ना, घर में थोड़ी ना कोई बना लेगा। एक बार बना लेगा भैया सीखने के बाद घर पे नहीं बनते गोलगप्पे। गोलगप्पे तो गोलगप्पे वाले के पास जाके खाने पड़ेंगे और वहीं पे स्वाद लगते हैं। तुम घर पे खाओ अच्छे नहीं लगेंगे, तुम रेडी पे खाओ। इसकी गोदी में लेट आएगा जी, मेरी गोद में आगे और लेट जाएगा। उस दिन मैं रोटी खा रही थी मुझे पानी नहीं पीने दिया, इसलिए मेरे गोद में आगे फिर लेट गया। बच्चे लाड करते फिर आप सारा दिन काम में लगे रहते हो, थोड़ा बच्चों को भी प्यार चाहिए भाई। तभी डालूंगी पूरी वीडियो बना के ना। शाम के लिए हम देखो आटा गूंदेंगे। अच्छा शाम को फिर से शाम को बुला लेना फिर मुझे। हाँ शाम के लिए आटा गूंदेंगे तो आटा गूंदने की और कर लेना। हाँ हाँ और क्या।
और बस पानी की कल बनवा देना। ये ताजे दिख जाएंगे सारे, ये वो और ये सब दिख जाएंगे। आज देखो इधर आके पता लग रहा है कितनी मेहनत कर रहे हैं, छोटी छोटी गोलियां। हां आंटी जी बहुत मेहनत है, बैठ लेना रात को इसका मन से उठाने दुखती है, इतनी परेशान है कई बार तो ऐसे दवाई। सही बात है। इसका बेलन भी अलग है क्या कि घर वाला ही बेलन है? अलग है इसका, पतला बेलन लगता ना। हां वही चकला है, कहीं चकला कोई सा भी हो। हां चकले की तो कोई नहीं, कहीं पत्थर का भी रखते हैं ना। हां चकला कोई सा भी हो पर देखो बेलन तो इसको इतना ही पतला चाहिए। अच्छा पतले बेलन से दबाव ज्यादा पड़ता ना बिलने के लिए। मोटे बेलन से दिखाते भी नहीं है, लोई नहीं है इसकी, ऐसे हाँ, तो जाती है। हाँ, दिखते भी नहीं है कितने, इसकी अंजाद भी नहीं है कहीं पे, शेप कैसा बन गया। हाँ, फिर उससे कोई इसी तरह से सारे बेल लोगे ना। यही भर के बेलेंगे फिर एक बार, यही भर के तीन बार भरेंगे इसको भी। अच्छा इस पन्नी को एक बार भरोगे फिर सेकोगे फिर से दोबारा बेलोगे। हाँ इतनी सारी आ जाएगी लोई इस पे। ओहो आप कभी भी देखना जब हम आप लोगों को खिलाते हैं उसमें भी हम अपने आप भी खा लेते हैं। सही बात है, हम तो ऐसा रखते हैं साफ, जो अपना भी खा लो दूसरे भी खा लो। हाँ सही बात है, वो तो है। हम ऐसा नहीं रखते हैं, लोग दूसरों को खिला दो और अपना उसमें से नहीं खाओ, खुद भी तो खाना ही है। पानी बनाते हैं, पानी बनाते हैं थोड़ा ग्लास में लेके खुद हम चेक करते हैं एक बार टेस्ट कैसा रहा। हाँ सही बात है, तो कचौर कैसे चले, कम ज्यादा पड़ जाए कई बार मसाले ना, कि मिर्ची ज्यादा है, मसाला कम है ज्यादा है, पुदीना कैसा है, लौंग का मसाला कैसा बड़ा सोल्ट वाला। हाँ वो तो है, कम होगा तो और डालेंगे। जो बनाएगा ना वो चेक नहीं करेगा, जो नहीं बनाएगा वो चेक करेगा। सही बात है, सारे बंदा हवाई लगी, पत्रकार भी आ गया वहाँ पे। अच्छा इसको ढक दोगे अब है ना? ढक देंगे। कितनी देर ढकोगे? जब ये भर जाएगी तो ये सेकने लग जाएंगे बस आधे घंटे। जब तक सेकेंगे नहीं तब तक ये ऐसे ही ढके, इसलिए ढकाया कि सूखे ना ऊपर से। जब ये सूख जाएंगे फिर भूल लेंगे नहीं। अच्छा इसलिए ढकाया, अब मुलायम रहेंगे जैसे हम बेल रहे हैं ना वैसे ही मुलायम रहेंगे। कई लोग कपड़ों से ढकते हैं ना गीला कपड़ा, गीला कपड़े से, हम गीले कपड़े नहीं रखते हैं। अच्छा गीला भी ढक दो। अच्छा। गीला एक बिछा लो एक ऊपर से उड़ा दो गीला। अच्छा या फिर पन्नियों से ढक दो। हम पन्नियों से ढकते हैं हम, क्यों ये धो के साफ हो जाती है। हाँ, वो तो कपड़े सूती होते हैं, मेला मेला होता जाएगा, उसमें गंदा आती है। हाँ इसको तो एक दिन चाहे बीच में सर्फ से धो लो ना। हाँ हर रोज दूसरे तीसरे दिन हम धोते हैं, हम गंदी पन्नी नहीं रखते हैं ना। सही है, अच्छा इसको बाद में करोगे ना वो? इसको बाद में। अभी ये नरम भी रहेंगी और इसमें सफाई भी रहती, मक्खी भी वगैरह नहीं बैठती। हाँ मक्खी तो एक भी नहीं बैठती थी आपके, आप ढकते जा रहे थे साथ के साथ। जमी तो एक आधी फिर भी आई जाती, कोई कुछ नहीं ऊपर ऊपर ही है ये। तेल गरम हो गया है और अब इसमें गोलगप्पे डालेंगे। नहीं ये जानते ना इनसे खाते हैं गोलगप्पे रोज, तो मैंने इनको बोला था मैं कहा आप वीडियो डाल दे, कल पॉपकॉर्न के बना के आई थी मंडी में। नमस्ते आंटी। नमस्ते दी। और ठीक हो? ठीक है, तू सुना? बढ़िया। ये गोलगप्पे बनाने दी को पकड़ ले ना। हाँ तो उसे किसी की राह नहीं काट।